चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ये फ्री है। हे ब्यूटीफुल, आज मैं हानिया आमिर से इंस्पायर्ड नो मेकअप लुक करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्लम का फेस मिस्ट, ये टोनर की तरह भी वर्क करता है। इससे मैंने फेस को प्रेप कर लिया और अच्छे से अपने फेस पे लगा लिया। सेकेंड, मैं यहाँ पे मेबिलीन फिट मी का फाउंडेशन ले रही हूँ। एक तो ये मैट होता है, ऑयली स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, प्लस बहुत ही अच्छी कवरेज देता है। गाइस, क्या आप भी अपने शेड का फाउंडेशन आज तक ढूंढ पाए हैं? मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है आज भी। चलिए फाइनली मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ ब्रश की हेल्प से। अगर ब्लेंडर हो, ब्यूटी ब्लेंडर, तो उससे भी आप ब्लेंड कर सकते हो। अपने बेस को करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबिलीन का कंसीलर। इससे जो आईज़ के साइड साइड में थोड़े से डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, तो उनको कवर कर लेना है, और लिप्स के आसपास, नोज़ के आसपास अच्छे से इसलिए कवर कर लेना है ताकि आपके मेकअप पे अच्छे से ब्राइटनेस हो। और आईज़ के पास तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि आई मेकअप बहुत अच्छा आता है। वैसे नो मेकअप लुक है, बहुत ज़्यादा हमें मेकअप नहीं करना है, नेचुरल सा करना है। तो अब हमने अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है खूब अच्छे से ब्रश की हेल्प से। और जब ये पूरी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा, तो अपने मेकअप को बेक करने के लिए मैं यहाँ पे फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से स्लाइटली इसको बेक कर लेना है ताकि हिले ना। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे शुगर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। भाई, कोई और तो ब्लश कराए ना कराए, शुगर का ब्लश आपके साथ बड़ा फ़ायदेमंद है। और ये पॉकेट साइज़ ब्लश ना बड़ा कमाल का है, इसका पिगमेंटेशन बहुत ही प्यारा आता है शुगर का। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, आप अपने शेड का भी यूज़ कर सकते हो। मुझे तो पिंक पिनैकल जाता है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से अपने नाक भी और गाल भी अच्छे से कर लिया। उसके बाद मैं इसी से अपनी आईज़ भी कवर कर लूँगी, क्योंकि उसने बहुत लाइट मेकअप किया है, तो स्लाइटली पिंक लगना चाहिए। देन मैं यहाँ पे लैक्मे का मस्करा यूज़ कर रही हूँ। गाइस, मुझे ये वॉल्यूम लैशेस वाला मस्करा बहुत ही अच्छा जाता है। इससे एक एक लैश अलग हो जाती है, प्लस बहुत ही अच्छी कवरिंग देता है, वाटरप्रूफ है। देन मैं यहाँ पे लैक्मे का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि पिंक शेड में, पिंक शिमरी है, तो इससे पिंक पिंक ब्लश भी काम कर रहा है और ये हाइलाइटर भी परफेक्टली डन होता है। देन मैंने यहाँ पे मेबिलिन कई बॉस बेब के लिप शेड लिया है, क्योंकि मुझे बहुत लाइट लिप्स चाहिए थे, तो मैंने अच्छे से इसको लगाया है, क्योंकि न्यूड शेड है, तो न्यूड मेकअप पे तो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। लिपस्टिक का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मेरे पास लिप ग्लॉस सच में नहीं है, तो मैंने यहाँ पे वैसलीन यूज़ करा है और उसी से अपने लिप्स को ग्लॉसी लुक दिया है। और यहाँ पे अपनी आईब्रोज भूल गई थी, फाइनली मुझे याद आ गया, तो आईब्रोज को डन कर लेते हैं, क्योंकि इसी से हमारा मेकअप फिनिश होगा। एंड नाउ आई एम ऑल ग्लैम अप। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या मैं जस्टिफाई कर रही हूँ न्यूड मेकअप लुक को? और अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर शेयर करी है, आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। क्योंकि मेकअप तो आउटर ब्यूटी है, बट इनर ब्यूटी आपकी स्किन केयर से आती है। सो गाइज, बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बिलो डाउन। बाय ब्यूटिफुल।